पता है बची हुई रोटी के साथ इतना टेस्टी सामान बन सकता है। चलो पहले इसके चिप्स बनाते हैं। यार कल ना मेरे पापा करियाने का सामान लेने गए थे और अचानक से मेरा छोटा भाई भी तैयार हो गया। और पता है जब वो घर लाते तो मैंने क्या देखा कि मेरा छोटा भाई इतना बड़ा लिफाफा लेस का लेकर आया है। और जब मम्मा ने भी देखा मम्मा तो हैरान हो गई। और फिर मम्मा ने भी कह दिया कि यहाँ पे लंगर लगा जो तू इतने सारे लेकर आया है। फिर मैंने कहा मम्मी मुझे गरीब को तो दे दो खाने को, लेकिन देखो मुझे खाने को नहीं मिला और छोटे भाई को भी नहीं। और फिर बोलने लगे कि ये सारे वापस करके आएंगे, पर मेरा लेस खाने का काफी मन हो रहा था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि घर पे तो बासी रोटी भी पड़ी है और उसके साथ तो इतने बढ़िया नाचो चिप्स बनते हैं जो कि मैंने बनाए और बहुत टेस्टी थे। शाम की भूख के लिए ये वाला रैप बना लेना। अरे जब कल के शाम के 6 बजे ही अंधेरा हो गया तो मेरी मम्मा मेरे छोटे भाई को ट्यूशन से लेने चली गई। और जब वो घर आया मैंने देखा कि उसके हाथ में लेस के पैकेट है। फिर मैंने उसे पूछा कि तेरे पास ये कहां से आए। फिर उसने जवाब दिया आपने पूछकर क्या करना है, आपको थोड़ी ना मिलेंगे। फिर इतने में मम्मा ने चाय भी बना दी और मुझे पता कि मुझे वो नहीं मिलने थे तो मैं किचन में चला गया और वहां पर देखा कि दोपहर की गाजर की सब्जी बची और रोटी भी है। फिर मेरा भाई छुप छुप के मुझे देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने भी दरवाजा बंद करके रोटी के अंदर पिज्जा सॉस पत्ता गोभी और साथ में सब्जी को रख के उसका ये रोल बना लिया। और बताओ कल क्या बना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।